हेलो गाइस, मेरा नाम मोहित शर्मा एंड वेलकम टू नोबल टेक एजुकेशन। सो गाइस, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ आवर वर्डपैड सेक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर किए थे वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने किया था पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पेंट्स, रिटर्न टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज जो है हमारे आज के आगे के जो टॉपिक्स रहते हैं वो क्लियर करते हैं। जैसे हमारा होम टैब बिल्कुल एक बार कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमारा कोई कमांड्स बाकी नहीं है। आज हम करेंगे व्यू टैब से स्टार्टिंग। अपनी व्यू टैब में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं जूम इन ऑप्शन। जूम इन क्या होता है, यहाँ पे गए हम जूम इन, अपने डॉक्यूमेंट को हम जूम इन करके देख सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। 100% पे चाहें आप 100% पे अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। फिर रूलर क्या होता है, रूलर होता है हमारा, ये देखिए रूलर आपको इंडिकेट भी हो रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया गया था ये हमारा रूलर होता है, ठीक है। अब इसको शो करना आप शो कर सकते हैं, हाइड करना हाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार हमने आपको लास्ट टाइम बताया गया था। स्टेटस बार हमारा ये होता है, यहाँ पे हमें भी स्टेटस पता लगता है, ठीक है। जहाँ से हमें पता लग रहा है अभी जूमिंग लेवल पता लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस बार है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैप ऑप्शन। वर्ड रैप होता क्या, वर्ड रैप होता है, देखो वर्ड रैप में भी तीन ऑप्शन आ रहे हैं अंदर। नो रैप, फर्स्ट हम नो रैप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, नो रैप किया, मैंने कोई की प्रेस करके रखी, जैसे मैंने सब एच की प्रेस करके रखी हमने, उससे क्या होगा, वो कंटिन्यूसली टाइप होगा और नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया, वो कंटिन्यूसली टाइप होता रहा, ठीक है। इसमें बाकी ऑप्शन हैं वो भी कर लेते हैं हम। बाकी ऑप्शन है रैप टू विंडो, विंडो जहाँ तक भी हमारा विंडो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो साइज है, विंडो के अकॉर्डिंग ही हमारा शो हो रहा है नेक्स्ट लाइन से हमारा सॉरी, और जहाँ पे भी हमारी विंडो खत्म हो रही है वहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर रैप टू रूलर, जहाँ पर भी हमारा रूलर फिनिश हो रहा है, जहाँ हमें रूलर शो हो रहा है एंड हो रहा है, वहाँ से हमारा नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। फिर आगे आता है देखो मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट होता है रूलर का, आपको मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंचेस में आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे आप देख पा रहे हैं सेंटर में सेंटीमीटर्स में हो गया। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, देखिए पॉइंट्स में भी हो गया हमारा। और आप चाहें तो इसको पिकर्स में भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपके बहुत सारे हमें शो हो रहे हैं, जो भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम इसे पहले ऐसे कर लेते हैं इंचेस में, फिर फाइल में चलते हैं और बाकी की जो कमांड्स हमारी बच गई हैं वो कमांड्स हम करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है वो अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहिए हमेशा, जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से प्रिंट आउट निकलेगा, उसका किस वे में प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। अभी हमारे बाकी फंक्शंस हमारे हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है। अगर एक पेज से ज़्यादा होता तो हमें यहाँ सेकेंड पेज भी शो हो जाता है, ठीक है। बाकी क्लोज कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू को और 100% पे अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि जो आपने काम किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। फिर आगे इसमें और भी ऑप्शन है पेज सेटअप। अब देखिए जैसे हमने पेज सेटअप पे क्लिक किया, हमने पेज सेटअप का, ठीक है, इस पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स के काम कर सकते हैं। हमने पेज फर्स्ट आता साइज, आप यहाँ से देखिए कोई भी पेपर साइज दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई चेंज कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे इफेक्ट दिख भी रहा होगा, देखो इसका प्रिंट व्यू में आपको यहाँ पे इफेक्ट हमें शो भी हो रहा होगा आपको यहाँ पे। जैसे हमें जूम इन कर रहे हैं, देखिए जैसे दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं आपको साइज, अपना सोर्स आपको ऑटोमेटिकली ही रखना चाहिए ऑटो सोर्स, जिससे अपने आप वो डिटेक्ट कर सके। फिर आता है इंचेस मार्जिन क्या होता है, मार्जिन हमारे हमेशा इंचेस में काउंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको कॉर्नर से कितना स्पेस छोड़ना है उसे हम मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड से बिल्कुल ही हटा दिया तो लेफ्ट साइड में आपको बिल्कुल भी मार्जिन शो नहीं हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन 2 का दे देता हूँ तो क्या होगा, 2 इंचेस के अकॉर्डिंग मैनेज हो गया लेफ्ट साइड से। इसी तरीके से आप अपना टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं हमारे, जैसे कि मैं आपको
हेलो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसमें और भी फंक्शंस हमारे होते हैं जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप किस तरीके से रखना है, आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। पोर्ट्रेट में देखो, अभी अब डॉक्यूमेंट हमारा इस तरीके से शो हो रहा है, मैं चाहूँ तो इसे लैंडस्केप कर सकता हूँ लाइक दिस या पोर्ट्रेट। देखिए, इन दोनों में से कोई एक ही रख सकते हैं आप चाहें कि दोनों रख लें, दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आता है प्रिंट पेज नंबर। आपको अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर प्रिंट चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे उसमें जो फंक्शंस आते हैं आगे भी करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंट्स। हमें प्रिंट की सेटिंग भी देखनी, पता होनी चाहिए। फर्स्ट आता है प्रिंटर, कि भाई हमारा प्रिंटर है कौन सा। तो प्रिंटर हमारा यहाँ पे सैमसंग का है। आपका जो भी प्रिंटर होगा आप अपने अकॉर्डिंग उस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट कर सकते हैं उस प्रिंटर को। फिर आता है ऑल पेज रेंज। सॉरी, पेज रेंज क्या होता है, आपको किस टाइप से पेजेस निकाल प्रिंट आउट करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ऑल आ रहा है तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे पेजेस जितने भी आपके होंगे वो सारे आ जाएंगे। सिलेक्शन में क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे पेज हैं लेकिन आपको एक से लेकर 10 पेज ही चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास 120 पेज हैं लेकिन आपको 1 से 10 पेज ही चाहिए, बाकी पेजेस आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से टाइप करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 1-10, तो इससे क्या होगा, सिर्फ 1 से लेकर 10 पेज ही आएंगे, बाकी सारे पेजेस आप पे नहीं आएंगे। और करंट पेज क्या होता है, करंट पेज होता है आप जिस भी करंट पेज पे हैं, चाहे आप 4 नंबर पेज पे हैं, चाहे आप 6 नंबर पे हैं, चाहे आप कोई भी नंबर पेज पे हैं, तो डायरेक्टली उसका ही प्रिंट आउट निकलेगा। और पेजेस क्या होता है, आप पेजेस होता है आपके पास बहुत सारे पेज हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम 10 पेज ले लेते हैं लेकिन आपको 2 नंबर पेज चाहिए, 4 नंबर पेज चाहिए और 6 नंबर पेज चाहिए, बाकी पेजेस आपको नहीं चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6। इससे क्या होगा, हमारे सिर्फ इंडिविजुअल 3 पेजेस निकलेंगे जो हमने टाइप किए हैं। फिर आता है नंबर ऑफ कॉपीज, कि आपको नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए कितनी। जैसे आपसे कोई कहता है पर्सन की भाई मुझे नंबर ऑफ कॉपीज 5 चाहिए, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज 5 को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कॉलेट क्या होता है, कॉलेट होता है अपने डॉक्यूमेंट को सेट वाइज निकालने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास नोट्स हैं, कोई भी आपका कोई सेट है नोट्स का, 10 पेज का आपको एक सेट है, लेकिन आपको कोई पर्सन कहता है कि भाई मुझे उसके 10 पेज चाहिए। आई रिपीट अगेन, कोई आपके कोई सेट है 10 पेज का नोट्स का, लेकिन आपको कोई कहता है कि 10 पेज चाहिए मुझे उसके, कॉपीज 10 कॉपीज चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे टिक नहीं करते सपोज, ठीक है, तो क्या होगा उससे हमारा, हाँ तो हमारे फर्स्ट पेज की 10 कॉपीज आ जाएंगी, फिर सेकंड पेज की 10 कॉपीज, फिर थर्ड पेज की 10 कॉपीज एंड फिर फोर्थ की, ऐसी सिक्वेंस वाइज निकलती रहेंगी। आप चाहते हैं ऐसा ना हो, भाई सिक्वेंस वाइज निकले, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मतलब एक सेट निकले, तो उसके लिए हम कॉलेट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ टिक किया तो क्या है, सेट वाइज निकलेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब एक सेट तैयार हो गया, उसके बाद नेक्स्ट सेट, उसके बाद नेक्स्ट एंड उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं हम सारी चेंजेस को और प्रिंट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो भी प्रिंट आउट निकल आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए गाइस, आज का हमारा जो भी वर्डपैड सेक्शन था, वो वर्डपैड सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपके अगर कोई भी डाउट्स रह गए हो वर्डपैड में, आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, और जो आपने जो भी हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, उन वीडियोस को भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। उन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नोबल टेक एजुकेशन, एंड आई होप यू लाइक इट दिस चैनल।